सागर, मुबारक हो तुमको। मेरी जिंदगी खिलवाड़ बन गई और आपको मुबारकबाद की पड़ी। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप क्या करेंगे जानकर, ये तो मेरे अकेले का रोना। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम की रोने की बातें कर रहे हो। किस बात पर खुश होना चाहिए मुझे? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। आज सोनिया सुबह सुबह उठ गई थी, सारे घर की साफ सफाई की है उसने, पूजा पाठ की और सबके कमरे में गर्मा गर्म चाय भी पहुंचाई। अच्छा, आप सबको चाय मिल गई? क्यों, तुम्हें नहीं मिली क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझे मेरी बीवी के हाथों की चाय मिली। ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर बात क्या हुई है? वो सब आप मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। तुम सोनिया के अंदर आए हुए इस बदलाव से खुश नहीं हो क्या? जब सच आपकी आंखों के सामने, तो आप दूसरों की आंखों से क्यों देखें? क्या मतलब? सोनिया के बदले हुए चेहरे के पीछे एक और चेहरा जो मैं देख रहा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो अपने रिश्तों को समझने लगी है। ये गलत है। मैं तो भगवान से मांगता हूँ कि ऐसी बीवी किसी को भी ना मिले। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे कोई ऐसा भी सोचता है? आप नहीं समझेंगे, मुझे मेरे अपने ही रिश्ते ठगे और रिश्तों की सौदेबाजी कर रहे हैं। फिर तो ठीक है। अरे हम आंगनवाड़ी में बात करके देखते हैं, लेकिन एक बात बताओ, वो तुम लड़कन को पढ़ाई होगी? अरे आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई में हमारा हाथ बहुत बढ़िया है। अच्छा, अरे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी जान पहचान है, बात करके देखते हैं। अब हुनर है, 10वीं पास हो तो सब हो ही जाएगा। सही है एकदम। खुसर हो रहा है भाई, समधी और समधन के बीच में तुम्हारी शिकायत कर रहे थे समधन से। हमारी शिकायत? कौन बात की शिकायत हो रही, तनी हमहू तो सुने। अब का बताएं, तुम तो हो शक्की मनई हैं, अभी कोई न कोई इल्जाम हमारे माथे पे मर दोगे। अब तुम कहो तो हम समधन से बतियाएं भी नहीं कि तुम्हारी नजर में ये भी एक गुनाह होगा, हैं? अरे यार भगत जी, तुम काहे शर्मिंदा कर रहे हो हमका? अरे हम काहे शर्मिंदा करेंगे, शर्मिंदा तो तुमने किया है हम दोनों को। अब तो समधन से बतियाने में भी डर लगता है। अरे तो हमका भरम होएगा रहा, और कब के दूर होएगा वह? अरे भाई तुम्हार तो इस समधन है, तुम्हार तो हक है बात करेगे मजाक करेगे। अब भला तुम ना बतियो, वो तो कौन और बतियाई का? क्या बात है भाई, आज तो बड़ा नीक नीक बतिया रहे हो। उस दिन का हो गया था, तुम्हारी बुद्धि घास चलने गई थी का? अरे यार भगत जी, तो बखत बखत के बात होते। अब तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, वाके मती आगे अरलीना। अरे वाह, तुम तो चौपाई बोले ले। लेकिन एक बात बताएं, सिर्फ चौपाई बोलने से काम नहीं चलता है, जिंदगी काटने के लिए ना कुछ काम करना पड़ता है। ऐसी बात कर रहे हो भगत जी, हमारा बुढ़ौती आ गए, अभी ढलती उम्र में हम काम धंधा करेंगे। अच्छा, बुढ़ापे में खाना नहीं खाते का? अरे इस उम्र में भी लोग काम करते हैं। अरे और कुछ नहीं तो समधन से ही कुछ सीखो। अब इनसे हम कहाँ सीखे, आजकल हमारे मलकिन हमसे जो है रिसियाई हुई है। अरे रिसियाई हुई है तो मनाओ भाई, कैसे मरद हो यार, अपने मेहरारू को नहीं मना पा रहा। अरे भगत जी कैसे मनाए, का तो लगा था कि हमका आपके अपने मलकिन के मनावे के लिए ना अग्नि के साक्षी मान के फिर से साथ फेरा ले पड़े। का मलकिन यही चाहतो का? अरे क्या चाहो,
अरे बिजली चमकर हो चमकर। एक बात कहें, ऐसी दुल्हन ऐसे मेहरारू के ना गोर धोई के पिए चाहे, जिंदगी सफल हो जाएगी, समझे? मनाओ खूब अच्छी तरीके से, छोड़े ना। हाँ मरकिन, अरे एक बार देख लो, हाँ? देख लो हमरे तरफ देख लो तनी। अरे मजा आएगा। आखिर ये मांजरा क्या है? सोनिया की बातें और हरकतें बता रही है कि वो सुधर गई है, लेकिन लेकिन सागर सागर तो कोई और ही कहानी बयां कर रहा है। ऐसा क्या हो गया इन दोनों मियां बीवी के बीच जो सागर को सोनिया फूटी आंख नहीं भाती? कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है। क्या बात है भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मेरा दिमाग चकरा रहा है। किस बात को लेकर? अरे ये दोनों मियां बीवी की गुत्थी समझ में नहीं आ रही। अरे अब कौन सी नई बात होगी इन दोनों के बीच? सागर और सोनिया दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या अलग अलग बातें? आज सुबह सुबह सोनिया उठकर पूजा पाठ कर रही थी, घर का सारा काम किया, सबको चाय पिलाई, वो अब भी काम कर रही है। ये सब देखकर तो लगता है वो वाकई बदल गई है। लेकिन सागर अभी थोड़ी देर पहले मिला था और वो कुछ और ही बोल रहा था। क्या बोला उसने? अरे मैंने उससे कहा कि तुम अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारी बीवी सुधर गई है, तो मुझे कहने लगा कि भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसी बीवी मिले। जरूर दोनों के बीच में कुछ बात हुई। मुझे भी ऐसे ही लगता है, वरना कौन सा पति अपनी पत्नी के बारे में इस तरह की बातें करेगा। कल तक जो सागर इतना खुश था, रातों रात ऐसा क्या हो गया जो उसके चेहरे से खुशी चमक सब कुछ गायब हो गई है? अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा अपने ही रिश्तों के बीच में फंस गया है, ठगा जा रहा है अपने ही रिश्तों से। बिल्कुल ठीक, सागर भी मुझसे यही कह रहा था कि उसे उसके अपने रिश्ते ठग रहे हैं। मुझे तो पूरा यकीन है ये लोग जो सुधरने का नाटक कर रहे हैं ना, इस नाटक के पीछे जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। भाभी मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। कर रही हो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। देखो सागर, मैं किसी को कुछ भी दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? क्यों नहीं करूं मैं काम? हाँ? तुम वही थी ना जो मुझे जेल भिजवाना चाहती थी, बंद कराना चाहती थी मुझे, मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट चाहती थी ना तुम। देखो सागर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। झूठ मत बोलो सोनिया, झूठ मत बोलो। ठीक है, आज फैसला हो ही जाए, भिजवाओ मुझे जेल। अब मैं भी जेल जाना चाहता हूँ, बुलाओ पुलिस को। मैं क्यों बुलाऊं पुलिस को? देखो सागर, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, तुमने कह दिया और मैंने मान ली। अरे कितनी बार तो तुम मेरे मुंह पे मुझे धमकी दे चुकी हो, कल तुम्हारे और तुम्हारे पापा की सारी बातें सुन चुका, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? कब की बात कर रहे हो तुम? सागर, मैं तो अब इस घर को अपना घर मानने लगी हूँ, और फिर मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन मैंने सोचना शुरू कर दी, अब मेरी आंखें खुल गई। क्या कह रहे हो सागर तुम? तुम तो मेरे पति हो ना? हाँ, केवल नाम का पति। सोनिया, रिश्तों को ढोने की जरूरत नहीं है, मैं कोई रबड़ की मोहर नहीं हूँ जो अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर मुझे इस्तेमाल कर रही है। अरे मैं भी एक जीता जागता इंसान हूं। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, और मैं तो हैरान हूं। हाँ, अब तुम ही तो हो ना मेरी एक शुभ चिंता किस घर में। सागर, सागर मैं तुम्हें
तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं ही तुम्हारी सुनती हूँ। बस करो, जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम क्या मेरी चिंता करोगी? मैं तुम्हारी चिंता करो। तुम कल रात अपने पापा से क्या बात कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही हम इधर उधर की बात कर रहे थे। जो बातें तुम कर रही थी ना, वो सारी रात मेरे कानों में गूंजती रही। पूरी रात नहीं सो पाया हूँ सोनिया। मैं क्या कह रहे हो सागर? मेरी आंखों में धूल झोंकना बंद करो सोनिया। एक बात तो है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम लोगों के कारण मैंने अपना चैन खो दिया, अरे अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए भी तैयार हूं। आज बुढ़ो बहुत जल्दी खिसक ली है। ये तो का करते, यहाँ रहते तो आपके मन में ना सत्ता कीड़ा कुलबुलाते रहता। अच्छा ही हुआ जो भगत जी यहाँ से चले गए। अब तो तुम उनका पक्ष और ले लो। काहे बुढ़ो कह के जो गए हैं, ऐसी औरत के गोड़ धोए के पिए चाहिए। चलो ठीक मलकिन, अपन गोड़ दे, आज हम तुम्हारे गोड़ धोए के पिए। अरे छोड़िए, आप काहे गोड़ धोइएगा? बात हुई तुम हमारा लक्ष्मीया जो हो, यही खाते हम तुम्हारे गोड़ धोए के पी पाए। छोड़िए, मर्द जो होता है ना, सात फेरे के साथ अगर सातों वचन भी याद रखे ना, तो जिंदगी आराम से कट जाए, कोनो परेशानी ना हो। और आपको याद है सात फेरे में चार फेरे में मर्द आगे रहता है और बाकी के तीन में मेहरारू। अरे तुम हो गए याद है। अरे का मतलब मालूम है कि नहीं? नहीं। एका मतलब ये है कि अगर मरद घर को संभाल नहीं पाए, कोनो घर पर विपत्ति आ जाए, तो मेहरारू आगे आकर सब कुछ संभाल ले। मलकिन तुम इस सब हमका काहे बता रही हो? एका मतलब ये है कि हम काम करना चाहते हैं। का? तुम काम करो। अरे क्यों, काम करे में का बुराई है? अरे मलकिन तुम कैसी बात कह रही हो? तुम बाहर काम करो, हम यहाँ घर बैठ के रोटी तोड़ा। हमारे जग हसाई करो का तुम? कि मैं जग हसाई की कौन बात है? अरे आजकल के जमाना में मेहरारू तो काम करे करती है। अरे दूसरा मेहरारूगन के बात और होते है। तुम हमारा मेहरारू हो ठाकुर रणबीर सिंह के, ऐसी बात कर रहा था मलकिन तुम? तो काहम नुमाइश की चीज है जो ताला में बंद करके रखिएगा। ए मलिका, हमारा घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता है ना? अरे तो मन लगा लो मलकिन, थोड़े दिन की विपत्ति और है, फिर सब ठीक हो जाए। काहे कुछ दिन बाद तुमका जादू की छड़ी घुमाने वाले हो। हमने मलकिन, हमारी बिटिया सोनिया ने छड़ी घुमाना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन की बात और है, फिर सब ठीक हो जाए। अरे आज तक जो सही नहीं हुआ वो अब का होगा? अरे मलकिन तुम काहे घबरा रही हो? हम लोगों के दिन जरूर बहुरेंगे, तुम परेशान ना हो। भी तुमने और तुम्हारे पापा ने ही मुझे मजबूर किया है। तुम दोनों की बातें सुनकर साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी नीयत क्या है। सागर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सुनने में गलती हुई है। मैं कान का इतना कच्चा नहीं हूँ सोनिया, बेकार की बातें मत करो। यकीन करो सागर, मैं पापा से कुछ और बात कर रही थी। सोनिया झूठ मत बोलो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरी गिरफ्तारी की बात कर रही थी। तुम्हारी गिरफ्तारी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सागर? तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति परमेश्वर हो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती।
सागर, सागर मैं तुम्हें अपना परमेश्वर मानती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। पति को परमेश्वर मानने वाली औरतें कोई और होती है, लेकिन तुम सागर मैं भी हूँ। तुम उनमें से बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो सागर। अरे मैं गलत सोच रहा हूँ? मैं बिल्कुल गलत नहीं सोच रहा हूँ सोनिया, मामा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे? यही कि तुम कुत्ते की तुम हो। सागर तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर सोच समझ कर बात करो। अरे हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। मैंने तो सिर्फ बोला है तुम लोगों ने हमें ऐसा ट्रीट किया है। हमने क्या तुम्हें ऐसे ट्रीट किया है? कभी तुमने अपना बिहेवियर देखा है? क्या देखा है तुमने मेरे बिहेवियर में? मैं सोनिया तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम करती रहो यहाँ पे झगड़ा, समझी? बताएगा तू मुझे, तेरे और सोनिया के बीच किसी में झगड़ा क्यों हो रहा था? आज तक हमारे बीच झगड़े के अलावा कुछ हुआ भी है? थोड़े बहुत झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही होते हैं। ऐसा क्यों सागर? सच बात तो यह है कि आज तक उसने पत्नी होने का फर्ज निभाया ही नहीं। बस बात बात पे वो जलील करती रहती है मुझे। लेकिन उसे इस तरह जलील करने का हक दिया किसने, ये बताना मुझे। पता नहीं थी। मैं परेशान हो गया। तू एक बार उससे फिर से आराम से बात कर करते। नहीं, बात करने से कुछ नहीं होगा दीदी। कितनी बार बात करी है मैं, क्या हासिल है? परेशान करके रखते हैं। लेकिन उस दिन तू ही तो मुझसे कह रहा था ना सागर कि सोनिया अब सुधर गई है, तो अब क्या हुआ? यही तो गलती हो गई हम लोगों से। मैं लगा कि वो सुधर रही है, पर ये सच नहीं। तो सच क्या है? सच तो ये है कि वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, नाटक कर रही है वो। ये तू कैसे कह सकता है? मैंने अपने कानों से सुना है। पापा से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? छोड़िए दीदी, सब बातों से क्या फायदा? आप इतना समझ लीजिए कि ये सब लोग नाटक कर रहे हैं। हाँ, हमारे सामने अच्छा बनने का है ना? हाँ दीदी, पर ये लोग कहीं से अच्छे नहीं है। इनकी तो जितनी बुराई की जाए ना उतनी भी कम है। जीना दूभर कर दिया इन लोगों ने। इन्हीं लोगों की वजह से शायद मैं आज ऐसा। सागर, सागर शांत हो जा, हिम्मत से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं होने वाला। थक गया हूं मैं ये धोखे खा के। दीदी परेशान हो गया हूं मैं, और नहीं होना चाहता दीदी। प्लीज प्लीज आप मुझे सबसे छुटकारा दिलवा दो प्लीज दीदी। पीहर प्रायोजक लाइफ बॉय सोप। अब मौसम बदलने का कोई डर नहीं।